87 नए केस कोरोना के संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए, जबकि ठीक होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर जाने वाले 51 लोग हैं। 637 एक्टिव केस पूरे मध्य प्रदेश में वर्तमान में हैं। जो सैंपल कलेक्शन किया गया वो 4097 सैंपल पिछले 24 घंटे में कलेक्ट हुआ है। संक्रमण दर जो वर्तमान में हमारी 2.12 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी वर्तमान में 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। पुलिस के संक्रमित 3 जवान अभी हैं। वैक्सीनेशन जो संपूर्ण प्रदेश में 24 घंटे में हुआ है वो 24,837 है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 12,81,64,961 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। जी सर, मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर क्या हालात हैं? अभी प्रदेश में 16 मार्ग बंद हैं। गुना, ब्यावरा, मकसूदनगढ़, भोपाल, चंदेरी, ललितपुर, श्योपुर, कोटा, श्योपुर, बारा, श्योपुर, सवाई माधोपुर, भोपाल सागर, नर्मदापुरम, हरदा, विदिशा, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, बरेली, पिपरिया, जीरापुर, आगर, सुठालिया, मकसूदनगढ़, भोपाल, जबलपुर, सिवनी, नैनपुर, उज्जैन, कोटा, ऐसे 16 मार्ग हैं। अभी इन पर जाने वाले यात्रियों से निवेदन है कि अभी यात्रा न करें। जहां तक बाढ़ की स्थिति का सवाल है, अभी गुना के थाना धरनावदा क्षेत्र में कुछ गांव में पानी की स्थिति है और श्योपुर के ग्राम सुंडी में भी पानी की स्थिति है। इन सभी लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। विदिशा में काफ़ी मात्रा में पानी कल आ गया था। 4 तहसीलें ज़्यादा इफेक्ट हुई थी विदिशा में। प्रॉपर विदिशा तहसील, कुरवाई तहसील, नटेरन तहसील और बासोदा तहसील 100 ग्राम के लगभग आसपास इसमें प्रभावित हुए होंगे। 350 लोगों का रेस्क्यू कर लिया था। एनडीआरएफ की 4 टीमें, एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की 4 टीमें वहां पर वर्तमान में लगी हुई हैं। सीहोर के साहगंज थाने का भी है, वहां पे जो सैनलवादा गांव है वहां पर काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे। वहां से 100 के लोगों को निकाल लिया है। वहां भी एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। ब्यावराओं में 250 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू कर लिया है। भोपाल के बैरसिया में गांव निहंगौली और जनकपुरी में 30 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया था। गुना के चाचौड़ा के क्षेत्र में भी कुछ थे। बैरसिया में एक जगह कुछ पशु भी फंसे हुए हैं। भोपाल में हमने डीजी की रिजर्व टीमें 5 रखी हुई हैं कि जैसे ही कहीं से आता है रेडी टू मूव की स्थिति में यहाँ पर हैं। नागदा के महितपुर में भी एक जगह भराव की स्थिति आई है। जबलपुर में भी रेडी टू मूव की स्थिति में हमने रखा है। हेलीकॉप्टर बुला लिया गया है, विदिशा रवाना हो रहा है। हेलीकॉप्टर आ चुका है भोपाल में, कुछ ही क्षणों के बाद रवाना वो हो जाएगा। दूसरा हेलीकॉप्टर नागपुर से चल दिया है और तीसरा मुंबई से मंगाया जा रहा है। वैसे अभी ये सिस्टम भोपाल से राजस्थान की तरफ जा रहा है और यहाँ पर स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। भोपाल संभाग और इससे लगे हुए जो जिले कल प्रभावित थे बारिश और अंधड़ से, वो आज सामान्य स्थिति में आते हुए प्रतीत होते हैं। विद्युत की व्यवस्था जो थी कल काफी गड़बड़ाई और जिले का कोई सवाल भी, आज भी हालत खराब है। भोपाल के अंदर 484 टोटल फीडर हैं। इनमें से 385 कल खराब हुए थे, जो जोर की पानी के साथ आंधी आई थी। 100 से अधिक पेड़ विद्युत की लाइनों के ऊपर गिर गए थे। 385 फीडर जो खराब हुए थे, 30 छोड़कर सारे के सारे फीडरों पर विद्युत सप्लाई चालू हो गई है। कुल 30 बचे हैं 385 में से, और जो 30 बचे हैं उनमें भी 12 से 2 के बीच में
विद्युत सप्लाई पूरी हो जाएगी और सामान्य स्थिति आ जाएगी। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि विद्युत व्यवस्था पर इस पर ध्यान नहीं दिया, बाढ़ वगैरह से समय रहे। जो क्या विचित्र स्थिति है, घर में बैठे बैठे ट्वीट कर रहे हैं, कहीं नेता प्रतिपक्ष गए हों, उनके दल का कोई आदमी गया हो, आपको कभी किसी आपदा में कहीं देखे हो, चाहे कोरोना की हो चाहे बाढ़ की हो, पानी में उतरे नहीं खुद और हमें तैरना सिखा रहे। हमारे मुख्यमंत्री रात में 12 बजे स्थान पे थे, बल्लभ भवन में रात में 12 बजे खड़े हुए थे, वो हमको शिक्षा दे रहे हैं। कल राहुल गांधी ये भी कह रहे थे कि भारत जोड़ो जो आंदोलन यात्रा है उनकी तपस्या है, 2 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो एक अपने आप में ही समस्या है, तपस्या नहीं है। और अगर भारत जोड़ो की जगह कांग्रेस जोड़ो अभियान शुरू करें, रोज एक चला जाता है, कल एक चले गए आनंद जी, आदरणीय आनंद शर्मा जी, उसके पहले गुलाम नबी आजाद हो गए थे आजाद। जब कांग्रेस पूरी बिखरती चली जा रही है, उसको जोड़ने की बात करें तो ठीक प्रतीत होती है, भारत जोड़ो के काई के लिए भारत कौन सा टूट रहा है। और जो तोड़ने के नारे लगाते हैं उनसे मिलने तो आप ही पहुंचते हो, भारत देखे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सबसे पहले यही युवराज गए थे उनसे मिलने के लिए, कन्हैया कुमार से JNU में, वो जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। है ना, ये लोकतंत्र की विचित्र बात। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को अभी भी संशय बना हुआ है, अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी बनना नहीं चाहते और कमलनाथ जी कहते हैं कि प्रियंका जी अच्छी नहीं पता बनना उन तीन में से ही। भैया गहलोत जी राहुल गांधी जी की कह देंगे, कमलनाथ जी प्रियंका की जी की कह देंगे, कोई बुजुर्ग आके सोनिया जी की कह देगा, बनना है इनमें से। ये 3 साल में तो कोई बना नहीं पाएगी अध्यक्ष, आगे भगवान की मर्जी है। सर कल महत्वपूर्ण बैठक हुई, क्या कुछ निर्णय हुए मध्यप्रदेश को लेकर, खासतौर से 4 राज्यों के मुख्यमंत्री, चारों मुख्यमंत्री 2 वर्चुअल 2 एक्चुअल आपके सामने थे, और माननीय अमित शाह जी जैसा व्यक्तित्व बीच में था, इसलिए मध्य प्रदेश में आपने हवाई सेवाओं के बारे में भी देखा होगा, एयर कार्गो हब के बारे में भी बात की होगी, और ऐसी एक नहीं अनेक सौगातें कल वो हमारे पुलिस के हाउसिंग के जवानों के लिए क्वार्टर उद्घाटन शिलान्यास, पुलिस थानों के उद्घाटन शिलान्यास, और हमारी एफएसएल की जो लैब है जो गुजरात से यूनिवर्सिटी से जोड़ी गई है, वो अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगी, ऐसी मेरी मान्यता। भोपाल में नर्मदा और कोलार पर बिजली सप्लाई ठीक हो गई है, वहां से पानी की सप्लाई प्रारंभ कर दी है। कैरवा डैम और बड़ा तालाब से भी 2 घंटे में पानी की सप्लाई प्रारंभ हो जाएगी जैसे लाइट ठीक होती है। टीपू सुल्तान को लेकर कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी कि उन्होंने देश के लिए काम किया और अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहादत, वीर सावरकर जी ने ऐसा नहीं किया। टीपू सुल्तान जी में ही उसको देशभक्त दिखाई देंगे दिग्विजय सिंह को, देशभक्तों में तो देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तुष्टिकरण की राजनीति के पोषक बन गए। और इसलिए दिग्विजय सिंह का जब जो बयान आएगा, एक भाव को, एक व्यक्ति को, एक धर्म को आहत करने वाला होगा। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं, पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए।